द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18वीं सेंचुरी में यूरोप के अंदर कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। नेशन स्टेट का मतलब होता है कोई बेसिक कंट्री जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल कॉमन लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पर जितनी भी कंट्रीज है वो सारी की सारी नेशन स्टेट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर हम बात करें मिड 18वीं सेंचुरी की, तो उस वक्त यूरोप के मैप को अगर हम देखेंगे तो हमें कोई भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हमें बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर राजा महाराजा शासन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर की, तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे जिनके आइडियाज, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब कुछ अलग अलग था। इसके बावजूद भी इनके पास नेशनल स्टेट का आइडिया आता है, और वो कैसे आता है चलिए जानते हैं। द ऑटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। दोस्तों, उस समय यूरोप के अंदर दो प्रकार के लोग रहते थे, ऑटोक्रेट्स और पीजेंट्स। ऑटोक्रेट्स वे लोग थे जिन्हें सोसाइटी में अमीर माना जाता था। इनके पास जमीनें थी, बड़े बड़े टाउन हाउसेस थे, और ये लोग माइनॉरिटी में थे, मतलब इनकी संख्या कम थी। लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास पावर बहुत थी, क्योंकि इनके पास पैसा था। ये लोग आपस की फैमिली में शादी करते थे और फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। वहीं पीजेंट्स गरीब थे, इनके पास खुद की कोई जमीन नहीं हुआ करती थी। ये लोग ऑटोक्रेट्स की जमीन पर ही काम करते थे और इसकी देखभाल करते थे। ये लोग मेजोरिटी में थे, यानी कि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। इसके बावजूद भी इनके पास पावर कम थी, क्योंकि इनके पास मनी नहीं था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो इसकी वजह से एक नई वर्किंग क्लास उभर के आती है, जिसका नाम था द न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में वह लोग आते थे जो ना ही ज्यादा अमीर थे ना ही ज्यादा गरीब, यानी कि ये लोग एजुकेटेड होते थे, जैसे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स। इस मिडिल क्लास के पास दो तरीके के आइडियाज थे, एक नेशन यूनिटी का यानी कि नेशन स्टेट का, और दूसरा आइडिया था लिबरल नेशनलिज्म का यानी कि लिबरलिज्म का। तो ये आइडिया क्या कहता था, इसके लिए हमें अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो कि है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया यह कहता था कि ऑटोक्रेसी खत्म हो जानी चाहिए और लोगों के पास गवर्नमेंट को चूज करने का अधिकार होना चाहिए। सारे नागरिकों के पास आजादी होनी चाहिए और इसके साथ साथ कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए। चर्च के लोगों के पास जो प्रिविलेजेस थे उन्हें खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि जो विशेष अधिकार थे चर्च के पास वो सारे के सारे समाप्त हो जाने चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों के लिए एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। मिडिल क्लास के लोग वुमेन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये भले ही वोटिंग राइट्स की मांग कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मेन के लिए, और ऐसे मेन के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो। तो मेन्स विदाउट प्रॉपर्टी और वुमेन्स यूरोप में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करने लगे। इन सब के अलावा यूरोप में एक दूसरी प्रॉब्लम भी चल रही थी। उस वक्त व्यापारियों को ट्रेड करने के लिए काफी ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था। इसके साथ साथ यूरोप में लगभग 30 अलग अलग प्रकार की करेंसीज भी चलती थी। इस वजह से उन्हें हर नए स्टेट में जाने के बाद अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ती थी, जिसमें उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एज अ रिजल्ट 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ, जिसका नाम था जोलवरीन। इसे प्रूशिया ने स्टार्ट किया था, और इसमें बाद में जाकर अदर जर्मन स्टेट भी ज्वाइन हो गए। इसने तीन काम किए। पहला, जो ट्रेड बैरियर होता था उसे हटा दिया, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पे जो टैक्स लगता था उसे हटा दिया। दूसरा, यूरोप की 30 करेंसी को रिड्यूस करके 2 करेंसी कर दिया, जिससे करेंसी की जो समस्याएं आती थी वो सारी सारी हट गई। तीसरा, रेलवे नेटवर्क को एक्सपेंड किया यानी कि प्रमोट किया, जिससे जो ट्रेड है वो आसानी से हो पाए। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। दोस्तों, मैंने आपको नेपोलियन की स्टोरी सुनाई थी। मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने 1799 से रूल करना शुरू किया था और 1815 तक उसका रूल चला था। लेकिन 1815 में ऐसा क्या हुआ कि उसका रूल खत्म हो गया? एक्चुअली में 1815 में एक फाइट होती है, जिसमें एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ 4 कंट्रीज थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। इस फाइट को बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। एज अ रिजल्ट फाइट में नेपोलियन हार जाता है, और क्योंकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया इन सारी कंट्रीज के जो हेड थे वो सारे के सारे कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस हों। इन्हें मोनार्की पसंद थी, ये चाहते थे कि मोनार्की को फिर से वापस लाया जाए। इस वजह से ये कंजर्वेटिज्म को भी लाने की सोच रहे थे। मतलब नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए थे उन सारे चेंजेस को हटाकर पुराना वाला सिस्टम वापस लाना चाहते थे। इसलिए इन कंट्रीज ने मिलकर 1815 में एक ट्रीटी साइन की, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, जिसको होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटर्निक। इस ट्रीटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, और वो क्या क्या चेंजेस थे चलिए जानते हैं। फर्स्ट, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस में जो पहले बर्बन डायनेस्टी चलती थी, जिसे बीच में हटा दिया गया था, उसे फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है। सेकंड, फ्रांस की बाउंड्रीज के चारों तरफ बहुत सारे स्टेट बनाए जाते हैं, ताकि फ्रांस फ्यूचर में एक्सपेंड न कर पाए। थर्ड, बहुत सारे स्टेट आपस में बांटे जाते हैं, जैसे प्रूसिया को वेस्टर्न टेरिटरी का कुछ हिस्सा दिया जाता है, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का, और रशिया को पोलैंड दे दिया जाता है। फोर्थ, नेपोलियन ने 39 स्टेट की जो कन्फेडरेशन बनाई थी उसको उन्होंने अनटच रहने दिया। ये कन्फेडरेशन जोलवरीन जैसा ही काम करती थी। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यूरोप में पूरी तरीके से मोनार्की आ गई थी, और कंजर्वेटिज्म लोगों के पास पावर भी पहुंच चुकी थी। द रिवोल्यूशनरी। तो इस कंजर्वेटिज्म से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट खुश नहीं थे।
तो 1815 के बाद जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि पावर कंजर्वेटिव्स में लोगों के पास पहुंच चुकी थी। इस वजह से ये ऊपर से ही तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए ये लोग अंडरग्राउंड हो गए थे और ये लोग छुप कर सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही दो सीक्रेट सोसाइटी जुसेप्पे मेसिनी ने भी बनाई थी, जिनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। ये इटली के रिवॉल्यूशनरी थे, ये एक सोसाइटी के मेंबर भी थे जिसका नाम था कार्बोनरी, और साथ में इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसमें पहली थी यंग इटली इन मार्शल्स और दूसरी थी यंग यूरोप जो कि बर्न में बनाई थी। क्योंकि ये इटली के थे इस वजह से ये चाहते थे कि इटली एक नेशन स्टेट बन जाए। इन्हें देखकर यूरोप में अलग अलग जगहों पर भी सीक्रेट सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है। इस वजह से ड्यूक मेटरनिक जो कि ट्रीटी ऑफ वियना का हेड था, उसने एक स्टेटमेंट दिया, ही इज द बिगेस्ट इनमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। अब आप खुद ही सोचिए कि इतने सारे अगर सीक्रेट सोसाइटी बनेंगी तो क्या होगा? रेवोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये सारी चीजें अपने आप नहीं होंगी। जैसे ही सब्सक्राइब का बटन अपने आप नहीं दबेगा तो आपको उसको दबाना पड़ेगा। तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।